अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब ठीक हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और मेरे शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन है। अल्लाह तब सबको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अभी ड्राई ठंड है, आप लोग भी इस ठंड से बच के रहें और अपने बच्चों की भी बहुत ज़्यादा केयर करें। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को ड्राई फ्रूट दें, खुद भी खाएं। तो मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट वैसे शौक़ से नहीं खाते हैं, तो मैं फिर इस तरह से मिल्क शेक बना देती हूँ। ये देखें, मैंने खजूरें काट ली थी आयशा और मोहम्मद कासिम के लिए। मैं मिल्क शेक बना रही थी, रूम टेम्परेचर पर मिल्क था और ये खजूरें मैंने 7-8 काट ली थी और 10-12 बादाम ले लिए थे। तो बस इसे मैंने मिल्क में शेक करके ना तो आयशा और मोहम्मद कासिम को दे दिया था। आयशा वैसे तो उसका टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा ये खजूर के मिल्क शेक में, लेकिन मोहम्मद कासिम को देख के ना कि भाई पी रहा है, तो साथ साथ पी रही थी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा अंदर मुझे कह भी रही थी कि मम्मा मैंने नहीं पीना, तो लेकिन उसने थोड़ा सा पी लिया था। खजूर में ना अपना बहुत मीठा होता है, इसमें चीनी नहीं डालते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें अपने बच्चों को डेली इस तरह से दूध में ना खजूरें और बादाम डाल के इस तरह से शेक करके ना तो बच्चों को मिल्क शेक बना दिया करें। मोहम्मद कासिम तो मिल्क शेक्स बहुत शौक़ से पीता है, कोल्ड कॉफ़ी पीता है, चीकू मिल्क शेक पीता है, बनाना मिल्क शेक मोहम्मद कासिम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से पीता है और फुल मग भी पी लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इज़ू भी पीती है, लेकिन इज़ू स्कूल से आके सो गई थी तो उसने नहीं था पिया। बर्गर्स खाए थे इन लोगों ने स्कूल से आके और खाती वो सो गई थी, तो फिर उसने मिल्क शेक नहीं था पीना। यहाँ देखें जी, आयशा मोहम्मद कासिम को देख के पी तो रही है कि भाई पी रहा है तो चले मैं भी पी लेती हूँ। और ये देखें, उसे पता है मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो भाई को कह रही है भाई इस तरह करो ना, हम लोग मिल्क शेक पी रहे हैं, हमारा वीडियो में आएगा। ये लोग दोनों बहन भाई माइनक्राफ्ट देख रहे थे। ये मोहम्मद कासिम पहले वीडियोज़ देखता है, फिर उससे गेम इस तरह खेलता है। तो इसने कोई भी गेम खेल ली हो ना, पहले काफ़ी देर ये वीडियो देखता है, फिर उन्हीं रूल्स से ना वही रूल्स फॉलो करके खुद ही गेम खेल लेता है। बहुत अच्छी गेम्स खेलता है ये। यहाँ देखें जी, बच्चों ने मिल्क शेक पी लिया था और मैं साथ में हंडिया बना रही थी। मटर चिकन बनाना था मैंने आज, तो मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, इंशाल्लाह फिर कभी करूँगी। ये देखें, मटर चिकन बन रहा है और यहाँ साथ में मैं देसी घी बना रही थी। बस ये साथ साथ काम होते हैं घर के, सब ये साथ साथ कर रही थी। ये नॉर्मली सब हंडिया इसी तरह ही बनती हैं, पहले मतलब मटन हो या चिकन हो इसी तरह से भून लेते हैं और बाद में सब्ज़ी डाल लेते हैं। ये मैंने आज चिकन में बनाया था, चिकन को भून लिया था जिस तरह से मैं बाकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसमें मटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया था। तो ये देखिए कितना मज़े का सालन बना था। और बच्चे फिर कहते हैं मम्मा इसके सब पेशावरी रोटी मंगवा लेते हैं, फिर यासिर इसके सब पेशावरी रोटी ले आए थे और बस थोड़ा बहुत जितना खाना था बच्चों ने खाना खा लिया था। और ये साथ ही ना हमारे एक भाई हैं वसीम भाई, ये आज सऊदीया से आ रहे थे, तो इन्हें फ़िरोज़ ने अलबेक का हुआ था। बेसिकली वो फ़िरोज़ के बेस्ट फ्रेंड हैं, फ़िरोज़ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मतलब यासिर के छोटे भाई हैं, तो मेरे भी छोटे भाई हुए ना, तो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं वसीम। उन्होंने आज सऊदीया से आना था, वो सऊदीया रहते हैं और ये हम लोगों को अलबेक इतना पसंद है ना, ये आपको पता है, वहीं जा के खाना पड़ता है, तो फिर वो हमारे लिए लाए थे। बच्चों ने भी टेस्ट किया, बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया था। एक्चुअली अभी बच्चे नहीं गए हैं उम्रा के लिए या हज के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुलाएगा। और बाकी सब हमारे घर से तो गए हैं, बड़े सब गए हैं, फ़िरोज़ और अदल नहीं गई। अल्लाह ताला उन्हें भी बुलाए और अल्लाह ताला हमें भी बुलाए, अल्लाह ताला सबको बार बार अपने घर की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल ठंड है ना, तो ऐसे मतलब जब इस फूड को हम लोगों ने गर्म किया तो ये उसी तरह फ्रेश हो गया था, बस फ्राइज थोड़े से हार्ड हो गए थे। चिकन बहुत मज़े का था, पता है क्या व्यूवर्स, जब मैं अलबेक खा के आई ना फर्स्ट टाइम आज से 7 years बिफोर, तो मैं घर आके ना बड़ी वाली फ्रिज मंगा के मैंने चिकन के अंदर इस तरह से मैरिनेशन करने के लिए ना, मैं फ्रिज के साथ मतलब मैं लिक्विड सा वो चिलीज़ का लिक्विड बना के ना, साल्ट और चिलीज़ का लिक्विड बना के वो फ्रिज के साथ मैं चिकन में इंसर्ट करती थी,
कि मतलब इस तरह से बन जाए, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, बल्कि कोई और ब्रांड भी इस तरह नहीं बना सका आज तक। ये बहुत मज़े का फूड है। और थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, आप हमारे लिए लाए हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा करे, और अल्लाह ताला हम सबको वहाँ बार बार बुलाता रहे, हमारे बच्चों के साथ भी और हमारे घर वाले सब, अल्लाह ताला सबको बार बार अपने घर की सादत नसीब फरमाए, आमीन। आजकल ना बहुत ज़्यादा दिल उदास हुआ हुआ है। मैं यासे को कहती हूँ, यासे बस अब हम लोग चलें ना उम्रा के लिए, फिर लेके चलें। तो अल्लाह ताला बुलाए इंशाल्लाह ताला, मेरा तो दिल है इंशाल्लाह अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में हमें अपने घर बुलाए, आमीन। तो बच्चे कहते हैं मम्मा आपने ना ये ज़्यादा सा लाना है ये फूड अलबेग हमारे लिए। तो मैंने कहा अभी तो ठंड है, रमज़ानुल मुबारक में तो गर्मी होगी, पता नहीं ऐसे फ्रेश होगा कि नहीं। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुलाए तो हम लाएंगे, ज़रूर सबके लिए लाएंगे। ये देखें वसीम भाई साथ में ये भी चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और काजू और खजूरें भी लेके आए थे। माशाल्लाह बहुत मज़े का था सब कुछ। देखिए ना ये चाहत की बात होती है, बेशक ये फ़िरोज़ के फ्रेंड हैं लेकिन हमारे भी छोटे भाई हैं। माशाल्लाह जब से फ़िरोज़ स्कूल गोइंग था ये तब से फ़िरोज़ के दोस्त हैं। तो माशाल्लाह जैसे फ़िरोज़ भाई है वैसे वसीम भी हमारे भाई हैं। और हमारे घर में से जो भी सऊदीया जाता है ना, वसीम भाई उनकी इतनी मेहमान नवाजी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। मतलब वसीम भाई के साथ सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ देखें जी सब ड्राई फ्रूट खा रहे थे, ये काजू इतने मज़े के थे ना, क्रंची क्रंची थे और खजूरें भी बहुत अच्छी थी। यहाँ देखें हम लोग फिर भाई के घर के लिए निकल गए थे, मेरे बड़े भाई को अल्लाह ताला ने रहमत दी है, काफ़ी दिन पहले अल्लाह ताला ने बेटी दी है मेरे बड़े भाई को माशाल्लाह। लेकिन हम लोग घर नहीं देखने जा सके थे, एक्चुअली बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, सॉरी हो रहे थे। तो अब बच्चे फ्री थे तो आज भी कहते हैं बाबा हमें ले चले ना, हमने डॉल देखने जाना है। तो यहाँ देखें हम भाई के घर आ गए हैं। मेरे दोनों भाई माशाल्लाह इकट्ठे रहते हैं। तो ये देखें छोटी भाभी हमें सर्व कर रही थी, पहले जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। वो जल्दी से मैंने भाभी को कहा था भाभी ये वापस ले जाएं क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं ना ठीक है। तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस पी लेते हैं, फिर वॉमिटिंग करते हैं, इस वजह से वो फिर उस तरह से बच्चों को नहीं, बल्कि खुद भी हम लोगों ने नहीं पिया था ना। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्रूट खाया था। ये छोटी भाभी हमें सर्व कर रही हैं और मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखें चाय के साथ केक और मिठाई खा ली थी, और मिठाई तो हम लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। व्यूवर्स भाभी ने ना खाना भी सर्व किया था, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी हूँ। खाना एक्चुअली हम लोगों ने खाया हुआ था, तो बस थोड़ा बहुत जिस जिसने जितना खाना था खा लिया। तो उसके बाद फिर चाय के साथ भी भाई कह रहे थे कि बेकरी ले आता हूँ, लेकिन बेकरी का फूड हमें नहीं पसंद है, वो नहीं खाते। और बच्चों की भी आजकल आपको पता है ना ड्राई ठंड है, तबीयतें नहीं ठीक है। तो फिर मैंने भाई को कहा भाई आप नहीं कुछ भी नहीं लाए बेकरी से, बस ये घर में मिठाई और केक था जो वो हम लोगों ने चाय के साथ खा लिया था। और यहाँ देखें बच्चे ये कैंडीज़ और जेलीज़ और बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें पूरे पूरे पैकेट्स खोल के ये लोग खा रहे हैं। आयशा और ज़ैनब दोनों बहुत मज़े से खा रही हैं, और मज़े की बात अभी यहाँ लड़ नहीं रही हैं, ये दोनों इंजॉय कर रही थी। और बाकी सब बड़े बच्चे यहाँ से चीज़ें लेके जाते थे और रूम में जाके खा लेते थे, और हम लोग ये केक खा रहे थे। ये देखें मेरी छोटी बहन केक सर्व कर रही है सबको। मुझे कहता है कि आप ही आप सर्व करो ना। मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो बनानी है, अगर मैं सर्व करने लगी तो मेरे से वीडियो नहीं बनाई जानी। व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं ना तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। अच्छा तो व्यूवर्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।